हेलो दोस्तों, आज हम साइंस क्लास 10 का न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या, जो कि बोर्ड एग्जाम CBSE में पूछा गया है। क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इस फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आइए करते हैं। पहले इसका नाम दे देते हैं, लेट नेम ऑफ इच रेसिस्टर हो जाएगा मेरा R1, R2, R3, R4 और R5। इसका R1, R2, R3, R4 और ये R5। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो उसके ये सीरीज में, उसके बाद इसको पैरेलल में जोड़ देंगे। कनेक्ट R2 एंड R3 इन सीरीज, तो R23 बराबर हो जाएगा R23 प्लस R3। R23 हो जाएगा मेरा 10 प्लस 10, R23 हो जाएगा 20 ओम। नाउ R23 कनेक्ट R5 इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करना R23 को R5 के साथ, तो 1/R235 इसका टू हो जाएगा 1/R23 प्लस 1/R5, 1/R235 आएगा। 1/R23 कितना है 20, प्लस 5 कितना है 20। R235 बराबर हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1, R235 बराबर होगा 2/20, यानी कि R235 20/2 यानी कि 10 ओम। अब यहाँ देखिए, ये दोनों जोड़ के इसको दोनों को जोड़ दिए, तो अब ये सीरीज में हो गया, ये तीनों हट गया। एक वो यहाँ दे देते हैं कोई होगा रेसिस्टेंस, जिसका कि रेसिस्टेंस 10 होगा, 10 ओम हो जाएगा, और इन तीनों को फिर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। नाउ न्यू रेसिस्टेंस नेम लेट R6। तो अब सीरीज में सब है, सीरीज में है तो टोटल निकल जाएगा। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो R नेट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R6 प्लस R4। तब R नेट बराबर हो जाएगा मेरा, ये है 10, R1 प्लस R6 भी 10 आया था, प्लस R4 मेरा है 20। तो R नेट बराबर हो जाएगा 40 ओम, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। इसी तरह बनाना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।